मैंने बात 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इस राजस्थान की जनता पे होगा, राजस्थान पे होगा। और ये विज्ञापन की सरकार रोज विज्ञापन जारी करके बहलाती फुसलाती है, देने को इनके पास एक पैसा नहीं है, तनख्वाह ये नहीं दे पाते। बिजली की स्थिति को देखें तो बुरी हालत है। साथ ही वो दुख का समय देखा जब कोरोना के साथ साथ में राजस्थान में गौवंश पे एक कहर हुआ, लंपी वायरस डिजीज जब राजस्थान में आया तो राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार 3-4 महीने तक इस लंपी वायरस डिजीज के बारे में विचार नहीं किया, काम भी शुरू नहीं किया। और मेरे किसान भाइयों, आप सब ने देसी इलाज करके कोरोना के साथ साथ लंपी डिजीज का इलाज आप लोगों ने, हम सब ने किया। 5 लाख से ज्यादा गोवंश इस लंपी डिजीज ने ली लिया। लेकिन एक मजाक करने का काम भी सरकार ने और किया कि जिन किसानों के दुधारू गोवंश की मृत्यु यदि लंपी से हुई है तो हम उनको 40,000 रुपए देंगे। साथियों, अब तक का इतिहास उठा के देखो, 43,000 ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं राजनीतिक नेताओं के संरक्षण में या राजनीतिक कांग्रेस के लोगों ने अपने अपने लोगों का नाम चेंज करके पक्षपात करके 43,000-44,000 लोगों को लंपी में हुए नुकसान का मुआवजा दिया। लेकिन अभी 4.5 लाख ऐसे किसान और हैं जिनकी गोवंश हो चाहे भैंस हो, लंपी डिजीज के कारण उनकी डेथ हुई। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पशुओं के नियंत्रण के लिए, रोकथाम के लिए एक योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत NADP योजना है, नेशनल एनिमल डिजीज प्रोग्राम बना के भारत सरकार 100% पैसा राज्यों को भारत सरकार देती है। लेकिन राजस्थान की निकम्मी सरकार ने समय पे इलाज नहीं किया पशुओं का, अकाल पशु मारे गए। यही हालत कोरोना में रहा। कोरोना में आपने देखा होगा देश का पहला, दुनिया का ऐसा राज्य देश बना मोदी जी के नेतृत्व में, हमने स्थानीय वैक्सीन बनाकर लोगों को जीवन बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं अंत में इतना निवेदन करना चाहूंगा आपसे, महिला अत्याचार नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट को उठा के हम देखते हैं, देश का नंबर 1 स्थान है। महिला छेड़छाड़ उत्पीड़न का हम सवाल देखते हैं तो राजस्थान का दुनिया हिंदुस्तान में 2रा स्थान रखते हैं लोग।